कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, यहां से आप अकाउंट को डिलीट कर सकते हो। वेलकम बैक टू द वीडियो। मैं इंस्टाग्राम बहुत सालों से चला रहा हूँ, काफी टाइम से तो मैं इंस्टाग्राम चलाना भी सिखा रहा हूँ। दैट मीन इंस्टाग्राम से रिलेटेड सारी वीडियोस की सेटिंग्स मैं आपको बताता हूँ कि इंस्टाग्राम पे क्या कब कैसे कैसे करना है, सब कुछ डिटेल में मैं आपको बताता हूँ, ये आपको भी पता होगा। बट इंस्टाग्राम के इतने फ्रिक्वेंट अपडेट, मेटा ने इतनी सारी चीजें चेंज कर दी है कि आप खुद ही समझ नहीं आता कि भाई करना क्या है, कहाँ कौन सी चीज कहाँ चलेगी। ये सब डिटेल में बात करेंगे, डिलीट कैसे करना है, कौन सी सेटिंग कहाँ कर दी, क्रिएटर के लिए कौन सी सेटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब कुछ डिटेल में बात करने वाले इस वीडियो में। हर एक सेटिंग के बारे में बता दूंगा ताकि आपको इंस्टाग्राम चलाना और ज्यादा इजी लगने लगे। तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखना है। करें स्टार्ट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राज चहल का नाम है आपका मिंग वॉल। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन, वीडियो पसंद आया वीडियो को यस लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं कि इंस्टाग्राम की जितनी सेटिंग चेंज हुई है, प्रोफाइल पे लेके आ गया हूं, मतलब इंस्टाग्राम अकाउंट जो मेरा है आप यहां पे देख सकते हो, ये मेरा एक इंस्टाग्राम का अकाउंट है। एंड्रॉइड हो iOS हो, दोनों में बिल्कुल ही सेम तरीका है, बिल्कुल सेम सेटिंग्स है, कहीं भी चेंज नहीं है। अगर मैं इंस्टाग्राम के होम पेज पे आपको लेके जाऊं तो होम पेज आपको कुछ इस तरह का दिख रहा होगा। प्रोफाइल आइकन पे टैप करेंगे, प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आपको पता लग गया होगा। एंड आपको एक चीज अपडेट देता हूं, जल्दी से नया अपडेट है, अब एड्स इन प्रोफाइल फीड हट गया है, यानी कि रिमूव कर दिया है। अब एड्स इन प्रोफाइल फीड दिखेगा भी नहीं आपको, यहाँ पे पहले आता था लेकिन वो हटा दिया है। अब ये सबका हटा है, वैसे तो मोस्टली सबका हट ही गया, बहुत सारे लोगों से कंफर्म कर लिया है। आपका हटा है नहीं हटा है कमेंट बॉक्स में लिख देना। ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड आपको सबको पता है क्या है। अब हम राइट टॉप कॉर्नर थ्री लाइन पे जाके सेटिंग्स पे चले जाते हैं। ये देखो पूरी की पूरी सेटिंग यहाँ पे चेंज कर दी है। सेटिंग पे टैप करते हैं तो पहले सिर्फ सेटिंग आता था, उसके अंदर प्राइवेसी आता था, अब सेटिंग एंड प्राइवेसी एक जगह कर दिया है। शेड्यूल कंटेंट का ऑप्शन पहले था नहीं, अब शेड्यूल कंटेंट भी आ गया है। योर एक्टिविटी पे टैप कर लेते हैं, योर एक्टिविटी में आपको सारी चीजें दिख जाती है, मतलब आपने इंस्टाग्राम पे आज तक जो भी किया है, किसी की प्रोफाइल लाइक किया है, किसी की प्रोफाइल पे कमेंट किया है, आपको कमेंट आया है, टैग्स किए हैं, आपको किसी ने टैग किया है, स्टिकर रिस्पॉन्स भी आपने किस किस को किए हैं, एंड आप उसे जाके डिलीट भी कर सकते हो। अगर आपने किसी की प्रोफाइल पे स्टिकर पे रिस्पॉन्स कर दिया है तो आप उसे भी डिलीट कर सकते हो। यहाँ से आप रिव्यू पे टैप करके, मतलब अभी आपने कोई चीज रिव्यू के लिए डाली नहीं है तो रिव्यू नहीं आएगा। रिसेंट डिलीटेड आपने कुछ भी किया है, यहाँ पे आप रिसेंट डिलीटेड आर्काइव देख सकते हो, आर्काइव अगर आपने कुछ किया है। और यहाँ से कंटेंट पोस्ट और जो भी मतलब चीज़ें आपने शेयर किए वो यहाँ पे देख सकते हो। ओके, कुछ आपने ऐसा कंटेंट किया जिसमें आप नॉट इंटरेस्टेड हो, आप वो यहाँ पे कर सकते हो। कितना टाइम आपने इंस्टाग्राम पे स्पेंड किया है वो देख लो, मेरा एवरेज 2.5 घंटे, ऑलमोस्ट 3 घंटे, भाई बहुत ज़्यादा हो रहा है। ओके, आप वो भी यहाँ से देख सकते हो। उसी के साथ साथ रिसेंट सर्चेज, आपने रिसेंटली किस किस को क्या क्या सर्च किया वो चेक कर सकते हो। ट्रांसफर योर इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो यहाँ से, ये बिल्कुल मेटा के एंड से नया आया है। प्लस डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन, मतलब आप यहाँ से अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाउनलोड भी कर सकते हो, कहीं पे भी अकाउंट डिलीट करना चाहते हो तो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर या डिलीट या डाउनलोड कर लेना। ओके, ये होगी एक सेटिंग। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये शेड्यूल कंटेंट, आपको पता ही है, आप अगर कोई नया कंटेंट शेड्यूल करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। 75 दिन नेक्स्ट तक हम कर सकते हैं, मतलब आने वाले 75 डेज तक हम लोग कंटेंट शेड्यूल कर सकते हो। इनसाइट्स वही हो गए सारे जो डैशबोर्ड के अंदर आते हैं, ये सारे इनसाइट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, आपकी स्टोरी पे कितने व्यूज आए हैं सब कुछ। QR कोड, ये आपकी प्रोफाइल का QR कोड है, अगर आप इसको स्कैन करा देते हो किसी को तो वो आपकी प्रोफाइल डायरेक्ट यहाँ से सर्च कर लेगा, मतलब उसकी प्रोफाइल आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी उसके फोन में, जिससे वो उसे फॉलो कर सकता है। तो ये एक बहुत ज्यादा सिंपल है। उसी के साथ साथ और सेटिंग्स, आपके क्लोज फ्रेंड आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, प्लस आपने जो भी कंटेंट सेव किया है वो सेव्ड यहाँ पे आ गया है, पहले योर एक्टिविटी में आता था अंदर। इसी के साथ साथ फेवरेट पीपल आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ी सी बोरिंग हो रही होगी लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है, ये देख लो। अब मैं क्रिएटर्स के लिए बता देता हूँ, पहले बताता हूँ कि अकाउंट डिलीट कैसे करना है, कितना कॉम्प्लिकेटेड था पहले, इन्होंने कितना ज्यादा आसान कर दिया। अकाउंट सेंटर में जाओ, आपको पता है अकाउंट सेंटर ये लोग लाने के सोच रहे थे बहुत टाइम से कि सारी सेटिंग हम एक अकाउंट सेंटर में कर देंगे, यानी कि आपके जितने भी अकाउंट हैं उनका एक सेंटर बना देंगे आपके। जैसे मैंने तो यहाँ पे सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया हुआ, आपका फेसबुक अकाउंट है या फिर इंस्टाग्राम पे जितने भी अकाउंट है आप एक जगह से उन्हें मैनेज कर सकते हो, आपको बार बार स्विच नहीं करना पड़ेगा। तो अकाउंट सेंटर में मेरे यहाँ पे एक ही प्रोफाइल है, अगर मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँ तो ऐड अकाउंट करके 2-3 प्रोफाइल कर सकता हूँ। उसी के साथ साथ अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा अकाउंट, एंड अगर आप अकाउंट डिलीट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे देख लो जोन से अकाउंट को करना है। नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा पर्सनल डिटेल, इस पे जाओ एंड सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा अकाउंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल, एंड यहाँ से आप अकाउंट को डिलीट कर सकते हो। सिंपल, एक सेकंड में अकाउंट डिलीट हो जाएगा यहाँ से, कितना आसान कर दिया अकाउंट डिलीट करना। ओके, उसी के साथ साथ और भी चीजें, अकाउंट सेंटर की चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, अकाउंट अकाउंट डिलीट कर सकते हो। अपनी चीजें चेंज वेंज करनी है तो वहां से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो और अपना मतलब मोबाइल नंबर वगैरह चेंज कर सकते हो।
अब यहाँ पे आ जाते हैं क्रिएटर्स वाले टूल पे। क्रिएटर के लिए तो इन्होंने इतनी सारी चीजें कर दी है। क्रिएटर पे हम लोग टैप करें तो यहाँ से ऐड पेमेंट का एक ऑप्शन आ गया है। ऐड पेमेंट मेथड यानी कि आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम के पे पेमेंट ऐड करनी है तो आपको अपना अकाउंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एड प्लेसमेंट्स का आ गया है कि आप कोई एडवर्ड चलाना चाहते हो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट कॉन्टेंट पे तो वो ऐड चला सकते हो। ब्रांडेड कॉन्टेंट भी सेम ही है। पार्टनरशिप एड्स भी सेम ही है कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप में ऐड करना चाह रहे हो। रिस्पॉन्स सजेशंस आ गए हैं, मतलब आप चाहते हो कि आप कोई रिप्लाई सेव कर लो, जैसे आपने लिखा टी क्यू और थैंक यू सो मच लिख के आ जाए तो आप यहाँ से वो सेव कर सकते हो। इसी के साथ साथ फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन आप कर सकते हो यहाँ पे सेट। एंड इसके बाद है कनेक्ट टू फेसबुक पेज, आप यहाँ से आपका कोई फेसबुक पेज है उस पर कनेक्ट कर सकते हो। मिनिमम एज आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब आप देख लोगे। एंड सबसे मेन चीज है यहाँ पे मोनेटाइजेशन स्टेटस, आप यहाँ पे अपना चेक कर सकते हो अगर आपका मोनेटाइजेशन स्टेटस ऑन है या नहीं है, एलिजिबल है या नहीं है। वो भी मेन सेटिंग एक और है स्विच अकाउंट, अगर आपका पब्लिक अकाउंट है या फिर प्राइवेट अकाउंट है, आप प्रोफेशनल बनाना चाहते हो या फिर बिजनेस बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे स्विच टू अकाउंट टाइप कर सकते हो, पर्सनल बिजनेस ओके। एंड इसके बाद सबसे मेन रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन किसी को मिलती नहीं है, अगर आपको अपना अकाउंट वेरीफाई कराना है तो यहाँ से रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन पर टैप करके आप उसे वेरीफाई भी करा सकते हो। तो ये सेटिंग्स डाल दी इन्होंने क्रिएटर टूल एंड कंट्रोल्स, तो आप यहाँ से ये कर सकते हो। इसी के बाद आप देख रहे हो आपने कौन कौन से अकाउंट को म्यूट किया हुआ है, आप म्यूटेड अकाउंट्स देख सकते हो यहाँ पे, सजेस्टेड कंटेंट देख सकते हो, इन्हें आप हटा भी सकते हो ओके। मुझे नॉट इंटरेस्टेड वाले से, मतलब आप हटा दो, मुझे ये सजेशन में ना आए तो आप यहाँ पे सेंसिटिव कंटेंट में जाके या स्पेसिफिक वर्ड फ्रेज लिख देना, यहाँ पे जाके आप वो कंटेंट टैग लिखोगे तो आपको टैग की वीडियोज ही नहीं आएंगे जिसमें हैशटैग टैग होगा ओके। या फिर आप लिख दो कॉमेडी तो आपको कॉमेडी की वीडियोज यहाँ पे सजेशन में आनी बंद हो जाएंगी, तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हो ओके। आप यहाँ पे ब्लॉक्स अकाउंट देख सकते हो, जो अकाउंट ब्लॉक आपने किए हैं, पहले मिलते नहीं थे ना वो अकाउंट, अब अगर आप अपना अकाउंट यहीं से पब्लिक या प्राइवेट करना चाहते हो तो अकाउंट प्राइवेसी में आप यहां पे जाके इसे प्राइवेट कर सकते हो। अब आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मेन सेटिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं कुछ। यहां पे अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो आपको अकाउंट शेयरिंग या शेयरिंग और रिमिक्स ये जरूरी है आपको मिलना, इन्हें आप अलाउ करके रखना अगर आप चाहते हो कि आपकी जो रीच है वो मतलब ट्रिपल 10 times बढ़ जाए ओके। तो यहाँ से बढ़ जाती है जब तक आप, जैसे कि आपके अकाउंट के साथ या आपकी पोस्ट के साथ रिमिक्स करने लगते हैं तो इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को लगता है यस कंटेंट में दम है, लोगों ने रिमिक्स करना स्टार्ट कर दिया है तो शेयर हो रही है, तो इससे आपके अकाउंट की रीच बढ़ती बढ़ती है। इसी के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो हिडन वर्ड्स, कोई आप चाहते हो कि यार ये वाले वर्ड्स मेरे कमेंट्स में ना आए या ऐसी कोई चीज़ मेरे कमेंट्स में ना आए तो आप यहाँ पे हिडन वर्ड्स भी कर सकते हो। आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो मेन सेटिंग है एज अ क्रिएटर, अगर आप कुछ भी अपलोड करते हो हाई क्वालिटी में नहीं जाता है तो यहाँ पे डेटा यूजेज एंड मीडिया क्वालिटी पे जाओ, यहाँ पे अब वो ऑप्शन मिलता है, पहले कहीं और ही मिलता था ना, अब यहाँ पे वो ऑप्शन कर दिया है। एंड नेक्स्ट आपको और बता देता हूँ, सुपरविजन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। सुपरविजन यानी कि आप अपने किसी दोस्त का, अपने किसी मतलब बच्चे का या फिर अपने किसी और फैमिली मेंबर का अकाउंट सुपरवाइज करना चाहते हो कि वो, कि उसको क्या रिक्वेस्ट आ रही है, कि वो किस किस को फॉलो कर रहा है, उसका अकाउंट कितने टाइम एक्टिव रहा है, तो आप यहाँ से सारी नज़रें रख सकते हो उस पर, यानी कि आप उसे सुपरवाइज कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम ने ये भी ऑप्शन दे रखा है, बस यहाँ से जब आप गेट स्टार्टेड करोगे तो उसकी एक्सेप्टेंस जरूरी है। हाँ, आप ये नहीं देख सकते कि उन्होंने किससे चैट की है, ये सारी चीज़ें शायद वहाँ पर नहीं देखी जाती ओके। एंड जब तक कर सकते हो, अगर 18 ईयर्स से छोटा है, अगर 18 ईयर्स से बड़ा है तो वो अपने आप ही बंद हो जाएगी, तो ये फैमिली सेंटर में आ जाती है। यही सेम चीज़ फेसबुक के साथ भी आप कर सकते हो। उसी के साथ साथ यहाँ पे अब इंस्टाग्राम ने ऑर्डर पेमेंट्स का ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये ऐसी आया नहीं अभी इंडिया में, बट जल्दी आ जाएगा। ये सारी सेटिंग्स मैंने आपको डिटेल में बता दी। नोटिफिकेशन पर भी आप कर सकते हो, भाई मुझे किन किन चीज़ों के नोटिफिकेशन चाहिए, किन किन चीज़ों के नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, आप पॉज ऑल कर सकते हो, आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। आप चाहते हो सिर्फ मुझे फॉलोअर की रिक्वेस्ट की जो आती है उनके नोटिफिकेशन आए, या फिर मुझे जो मैसेजेस आते हैं उनके नोटिफिकेशन आए, बाकी किसी चीज़ के ना आए, तो आप वो यहाँ से सिंपल टर्न ऑन कर सकते हो ओके। मैंने यहाँ पे पॉज ऑल किया हुआ है, बाकी और भी चीज़ें हैं, आपको लगता है कि कुछ चीज़ रह गई है और वो बतानी जरूरी है कि मुझे ये कमेंट नहीं मिल रहा है, ये वाली सेटिंग नहीं मिल रही है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, वो सेटिंग्स मैं आपको बता दूंगा डिटेल में। बाकी हर एक सेटिंग मैंने अच्छे से डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके बता दी इंस्टाग्राम की, अब सारी चीज़ आपको मिल गई होंगी और इस वीडियो से आपको पक्का कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इफ मिला है तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट बॉक्स में लिख देना अगर आपको कोई सेटिंग रह गई है तो, अनुसार साथ साथ वीडियो भी पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।